वेलकम टू औरंगाबाद गाइस। आज के इस वीडियो में हम औरंगाबाद की कुछ फेमस जगहों को विजिट करने वाले हैं। दिन की शुरुआत में ही यहाँ कुछ विंडो शॉपिंग चल रही है। अरे बीच का लग रहा है, बीच का लग रहा है। अरे ये अच्छा है रे भाई साहब, ये दे दो मैंने पूछ के। लुकिंग रेड भाग्या, लुकिंग गुड यो भाई। वो दे धक्का मैंने क्या चश्मा लेके पहनता है, पैसा तीन लग रहा है ये। जैसा होता है देख वो ठीक लग रहा है ना। हाँ तो ले, चलो 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 खड़ो। हेलो, औरंगाबाद से कुछ 30 किलोमीटर दूर हम आए हैं और हम यहाँ पे बहुत ही फेमस घृष्णेश्वर टेम्पल को विजिट करने वाले हैं, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग भी है, इसलिए यहाँ पे पूरे इंडिया से बहुत डेवोटीज आते हैं। टेस्ट करे जो देखे क्या फिर आप वो चाहे टेस्ट करे ला। सो गाइस, यहाँ पे कुथलगिरी का जो पेड़ा है वो बहुत फेमस है, तो यहाँ पे आप जब टेंपल विजिट करने जाओगे तो आपको रास्ते में ये मिठाई की बहुत ज़्यादा शॉप दिखेगी, तो आपको ये मिठाई ज़रूर टेस्ट करना है क्योंकि ये बहुत फेमस पेड़ा है यहाँ का। ना वाला है क्या वो? एलोरा केव्स हमारा दूसरा डेस्टिनेशन। आई एम श्योर आपने हिस्ट्री बुक में ज़रूर सुना होगा अजंता एलोरा केव्स के बारे में। सो ये मेरे सारे फ्रेंड्स लोग फोटो सेशन में बिजी है एज यूजुअल। राजवीर बाबा छावा फोटो अच्छे आने चाहिए, बाकी तो ट्रिप तो होते रहते हैं। सही बोला है। बंदूक तो चला इंट्रोड्यूस हो गया ना इसका। ये राजवीर, ये नहीं ये अच्छा। एलोरा केव्स में टोटल 34 केव्स है। 34 केव्स एक दिन में विजिट कर पाना पॉसिबल नहीं है, आराम से 2-3 दिन लग जाते हैं, बट कुछ कुछ फेमस केव्स है जो आप एक दिन में देख सकते हो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस केव है वो है केव नंबर 16, जो कि कैलाश टेंपल या कैलाशा टेंपल के नाम से जाने जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो टेंपल है वो लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेंपल है, जो कि एक सिंगल पत्थर से बना हुआ है। उधर सूरज उगता है। उधर हम होने वाला देव का नाम खुदवाएंगे। खुदवाएंगे खुदवाएंगे पाउडर लेके कुछ और नहीं क्या? अच्छा ये ऊपर दे। हाँ
ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हैं। अरे अनिकेत अनिकेत प्रेम में आना। हाँ 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 तुम लोग सब एक्टिंग करो। अरे जल्दी करो टाइम। सो गाइज वी हैड सो मच ऑफ फन इन एलोरा केव्स। मिनिमम 1 to 2 hours लगता है प्रॉपर केव्स एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने काफ़ी सारे टेम्पल्स देखे, केव्स देखे एंड जो भी रॉक स्कल्पचर थे वो देखे। अभी हम यहाँ से दौलताबाद जा रहे हैं। आज के दिन का हमारा तीसरा और लास्ट स्टॉप है दौलताबाद का किला। इसे देवगिरी किला भी बोलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन में से एक है जो कि आपको औरंगाबाद के टूर में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये किला बहुत ही पुराना है, कुछ 12वीं सदी में बनाया गया था बाय यादव डायनेस्टी और यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजाओं ने रूल किया है। आज भी ये किला टूरिस्ट के लिए ओपन है। कुछ 10 रुपये का टिकट खरीद के आप ये किला पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको किले की चढ़ाई करनी पड़ेगी बट कुछ 2-3 घंटे में आप पूरा ये दौलताबाद का किला कवर कर सकते हो। Thank you.